आपको पता है, भाभी मिलने आई थी मुझसे। अच्छा चलो, अच्छी बात है, उन्होंने भी रिलेशंस को समझना शुरू कर दिया। और हैरतअंगेज़ बात यह है कि उन्होंने जिंदगी में पहली बार मुझसे मुस्कुरा के और अपनाइयत से बात की। मुझे लग रहा है कि वो हमारी माहम के लिए सीरियसली सोच रही है। सोचना भी चाहिए, हमारी माँ में किस चीज की कमी है। अच्छा है, मुनीबा के बाद माम भी अपने घर की हो जाएगी। अच्छा सलमान, मैं एक बात सोच रही थी, क्यों ना माम की शादी के बाद हम लोग आरिफ भाई के साथ, वो जो उनके दोस्त है ना, क्या नाम है उनका, इस्माइल साहब, उनके घर चले। मुझे उनकी बेटी हुदा बहुत पसंद है, क्यों ना हम शहीर का रिश्ता उस बच्ची के लिए मांग ले, और शहीर की भी यही ख्वाहिश है। कैसा है, ठीक है ना? अच्छा तो साहबजादे आजकल इन चक्करों में सोशल वर्क पर बाप का पैसा लुटाते लुटाते थक चुके होंगे, तूने सोचा कि चलो ये नहीं है याशी करते। हाँ याशी, सलमान बेटे की शादी अय्याशी नहीं है, हमारा फर्ज है। और आप हमेशा शहीर के लिए नेगेटिव अप्रोच क्यों रखते हैं? सबा क्योंकि तुम्हारा बेटा नालायक, बदतमीज, लापरवाह, गैर जिम्मेदार लड़का है। मैं उसे बर्दाश्त कर रहा हूं, यही बहुत है। और तुम चाहती हो कि, तुम नहीं चाहती बल्कि वो ये चाहता है कि मैं उसके साथ साथ उसकी फैमिली को भी पालू, और तुम कह रही हो कि ये नेगेटिव अप्रोच है। लेकिन सलमान, सबा प्लीज, नो मोर डिस्कशन। अब इस बारे में मैं कोई फिजूल बात नहीं सुनना चाहता।